सबको प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह की। दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है हमारे एक और नए वीडियो में। मेरे भाइयों और बहनों, आज हम बात करेंगे परमेश्वर के वचन के घोषणा करने के बारे में कि क्या हम परमेश्वर के वचन को अपने मुंह के द्वारा घोषणा करते हैं, परमेश्वर के वचन को अपने लिए क्लेम करते हैं, प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को अपने मुँह से कन्फेस करते हैं। मेरे भाइयों और बहनों, क्या आपको पता है कि जब आप और हम अपनी बुरी परिस्थितियों में चाहे अच्छी परिस्थितियों में परमेश्वर के वचन की घोषणा करते हैं तो परमेश्वर की वचन की जो सामर्थ्य जो है हमारे और आपके जीवन में कार्य कर रहा होता है। चाहे हमारी स्थिति खराब चल रहा हो या फिर हमारी स्थिति अच्छा चल रहा हो, हमें इन दोनों समयों में परमेश्वर के वचन का घोषणा करना चाहिए, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को बोलते हैं तो परमेश्वर का सामर्थ हमारी ज़िंदगी में काम करता है। आप नए पुराने नियम में पढ़े होंगे उत्पत्ति में कि परमेश्वर ने कहा उजियाला हो तो उजियाला हो गया। बाइबल कहती है कि परमेश्वर ने कहा और सब कुछ होता चला गया। परमेश्वर ने अपने शब्दों की घोषणा की और वो होता चला गया। आज वही यहोवा परमेश्वर अपना वचन हमें दिया है, इट मीन्स बाइबल जो परमेश्वर का पवित्र वचन है वो हमें दिया है। और वही परमेश्वर यहोवा हमसे कहता है कि जिस प्रकार हमने घोषणा की, तुम भी मेरे वचन की लो और उसे अपने ओठों के द्वारा बोलो, उसे घोषणा करो। तुम अपने लिए एक नए संसार बनाओ, जिस प्रकार मैंने अपने शब्दों के द्वारा एक नई सृष्टि बनाई, एक नया संसार बनाया, ठीक उसी प्रकार तुम वचन लो, बाइबल के वचन को लो और उसे कन्फेस करना स्टार्ट करो और तुम अपने लिए एक नया संसार बनाओ। मेरे भाइयों और बहनों, घोषणा करने का अर्थ क्या है हमें ये भी जानना चाहिए। जब आपकी स्थिति भला हो तो भी या फिर आपकी स्थिति बुरा हो तो भी आपको परमेश्वर के वचन के प्रति विश्वास करके उसे घोषणा करना है, क्योंकि जब हम परमेश्वर के वचन को घोषणा करते हैं तो हमारे अंदर विश्वास भी बढ़ता है। जैसे कि मान लीजिए कि आपको ये समझ नहीं आ रहा है कि हम घोषणा किस प्रकार करें, तो आप समझिए कि मान लीजिए कि आपके पास किसी प्रकार की बीमारी है और आप उस बीमारी से जूझ रहे हैं, तो आप परमेश्वर की वचन घोषणा करें कि प्रभु तेरा वचन में लिखा है कि उसी के कोड़े खाने से तुम चंगे किए गए हो, उसी के मार खाने से तुम चंगे किए गए हो। तो इस वचन को लेकर आप प्रत्येक दिन घोषणा करें, और जब आप ऐसा करेंगे तो परमेश्वर अपने वचन के द्वारा आपके अंदर काम करेगा। मान लीजिए कि आपके पास कोई आर्थिक तंगी है, पैसों की तंगी है और आपके पास पैसों की घटी है, तो उस समय आप परमेश्वर के वचन को ढूंढें। जैसे कि बाइबल में लिखा है कि यहोवा मेरा चरवाहा है, मुझे कुछ घटी नहीं होगी और वह मुझे हरी हरी चराइयों में ले जाता है। तो जब आपके पास घटी हो तो परमेश्वर के इस वचन की घोषणा करें, ताकि परमेश्वर देखे कि अपने घटी में ये मनुष्यों के सामने हाथ फैलाता है या फिर मेरे वचन को बोलता है। यदि आपके ऊपर कुछ शराब है तो आप घोषणा करें कि यीशु ने मेरे सारे शरापों को लेकर क्रूस पर मर गया, मैं शराब से मुक्त हूँ। यदि आपके शरीर में किसी गंदी आदत है और आप उससे छूटना चाहते हैं पर आप छूट नहीं पा रहे हैं, तो उस समय आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करें कि यीशु मुझे हर गंदी आदत से बाहर निकालेगा और परमेश्वर के राज में ले जाएगा। मान लीजिए यदि आपके पास आपसे किसी प्रकार की गलती हुई और आपके किसी गलती के कारण आपकी बदनामी हुई है, आपका नाम धराई हुआ, लोग आप पर ताने मारते हैं, लोग आपको बदनाम करते हैं, तो उन बातों को छोड़िए और परमेश्वर के वचन को लें और उसे घोषणा करें, क्योंकि यशायाह में लिखा है कि जितने मेरे नाम धराई हुआ है परमेश्वर उसके दुगना आदर देगा। तो आप परमेश्वर से बोलें कि परमेश्वर आपका वचन में लिखा है कि मैं तेरे नाम धराई को दूर करके तुझे दुगना आदर दूंगा, तो मैं विश्वास करता हूँ कि परमेश्वर मुझे मेरे नाम धराई को दूर करके, मेरे बदनामी को दूर करके, मेरे बेइज्जती को दूर करके परमेश्वर फिर से मुझे एक नई आशीष देगा, मुझे दुगना आदर देगा, दुगना इज्जत देगा और दुगना मेरा नाम करेगा। यदि आपके जीवन में कुछ पाप है, प्रभुता कर रहा है और आप उससे छूटना चाहते हैं, तो उस समय आप परमेश्वर के वचन की घोषणा करें कि पाप मुझ पर प्रभुता नहीं करेगा, क्योंकि लिखा है मैं व्यवस्था के अधीन नहीं परंतु अनुग्रह के अधीन हूँ। मेरे भाइयों और बहनों, बाइबल में 6000 प्लस प्रतिज्ञाएं दिया गया है और हमें हर दिन परमेश्वर के वचन की घोषणा करना चाहिए। ये 6000 प्रतिज्ञाएं आपको कैसे मिलेगी? जब आप प्रत्येक दिन परमेश्वर के वचन को पढ़ेंगे, उसे बारीकी से पढ़ेंगे और देखेंगे कहाँ पर आज्ञा है, कहाँ पर किस आज्ञा के साथ प्रतिज्ञा परमेश्वर का जोड़ा गया है,
तो ये कब होगा? जब आप बाइबल को पढ़ेंगे, प्रतिज्ञाओं को लिखेंगे, और हर स्थिति में, हर परिस्थिति में, चाहे आपका परिस्थिति अच्छा हो तो भी परमेश्वर को धन्यवाद, पर स्थिति बुरा हो फिर भी परमेश्वर को धन्यवाद। किसी बीमारी से जूझ रहे हैं घोषणा करें, गरीबी से जूझ रहे हैं परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, आर्थिक तंगी है परमेश्वर के वचन की घोषणा करें, किसी प्रकार का श्राप है परमेश्वर के वचन की घोषणा करें। आप जानते हैं कि यीशु मसीह ने भी परमेश्वर के वचन को कहा, परमेश्वर ने भी अपने वचन के द्वारा इस सारे संसार की रचना किया। तो परमेश्वर अपना शब्द, जो श्वास जो है बाइबल में फूका है, और परमेश्वर कहता है मेरे वचन को लो, और जिस प्रकार मैंने अपने शब्दों के द्वारा अपने एक सुंदर सृष्टि बनाया, तुम भी अपने लिए एक नया संसार बनाओ। जो तुम बोलोगे वही तुम्हारे लिए होगा। यीशु ने कहा जैसा तुम्हारा विश्वास है वैसे तुम्हारे संग होगा। जब हम वचन को घोषणा करते हैं तो उसकी आवाज़ हमारे कानों तक टकराता है और वो हमारे अंदर विश्वास को पैदा करता है। तो मेरे भाइयों और बहनों, आज का यही है वचन है कि हमें परमेश्वर के वचन को घोषणा करनी चाहिए। हर स्थिति में हमें परमेश्वर के वचन की घोषणा करनी चाहिए। तो मेरे भाइयों और बहनों, मैं आशा करता हूँ कि आज के वचन के द्वारा आप कुछ लर्न किए होंगे। यदि आप कुछ सीखें तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, और इस वीडियो के द्वारा यदि आप कुछ लर्न किए हैं तो कमेंट जरूर करें। फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए जय मसीह। ऐसे अनेक वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को लाइक जरूर करें। धन्यवाद।